हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बड़ी खबर निकल के आ रही है आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि को लेकर। लेकिन दोस्तों जाने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या होगा भारत के कौन कौन से राज्यों में, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, वह भी लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार आपके पास पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा ताकि आपके राज्य और जिले का मौसम का हाल भी हम प्रमुखता से दिखा सकें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगले 48 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर है। एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से आंतरिक महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक बनी हुई है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 24 घंटे के मौसम का हाल, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। इसी दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में एक दो स्थानों पर तेज बारिश हुई। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दोस्तों राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करें आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंकाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों जयपुर मौसम विभाग के प्रधान मौसम वैज्ञानिक शिव गणेश ने बताया कि 9 मई से 12 मई तक प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर अलग अलग इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड में 10 और 11 मई को भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि का अलर्ट भी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मौसम समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों इस तरह की काम की खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। और दोस्तों अपने राज्य और जिले का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों उसी के आधार पर हम आगे आपके राज्य और जिले की खबरें आप तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।